हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो मैं रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक बंगाली स्वीट डिश है, नोलेन गुड़ेर पायेश। ये डेट्स के जैगरी से बनता है। सो टू नो कि ये कैसे बनेगा, कीप फॉलोइंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिल्क। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। अगर आप 1 लीटर ऑफ मिल्क लोगे तो उसके लिए आपको 100 ग्राम्स ऑफ राइस लेना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिया है राइस, जो कि खीर बनाने वाला राइस होता है। आप कोई भी राइस ले सकते हो खीर वाला, इसमें कोई स्पेसिफिक खीर वाला नहीं लेना पड़ेगा। इसका रीज़न कुछ और है, मैं बताती हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है काजू किशमिश, इसको मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के रखा है। एंड दिस इज द स्टार ऑफ द डिश, ये है हम लोगों का खेजूर गुड़, जिसको बंगाली में बोलते हैं। एक्चुअली ये जो गुड़ होता है ये डेट्स से बनता है, बाकी जो गुड़ होता है वो शुगर केन से बना हुआ होता है। सो ये गुड़ मैंने लिया है। ये जो गुड़ है वो यहाँ पे मुझे भुवनेश्वर में तो नहीं मिला, इसलिए मेरे फादर ने मेरे लिए ये स्पेशली भिजवाया है। हमारे घर पे ये वाला जो खीर है ये मकर संक्रांति के टाइम पे बनता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द पायेश और खीर। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में दूध डाला है और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। दूध जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, जब थोड़ा सा उबलने लगेगा, तब हम लोग इसमें राइस डाल देंगे। इसमें इस खीर में हम लोग कुछ भी लाइक इलायची और तेज पत्ता ये सब कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें कोई आर्टिफिशियल स्मेल या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं चाहिए इसमें। इसका जो भी फ्लेवर होगा वो ये गुड़ से ही आएगा। हमारा जो मिल्क है ये अभी बॉयल हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द राइस। ये जो राइस है इसको मैंने वॉश करके रखा था, इसको मैं अब ऐड कर दे रही हूँ उस पर। अभी जो है इसको आपको कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना होगा। आप अगर नहीं चलाओगे तो राइस नीचे से स्टिक हो जाएगा। सो यही थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, बस इसको चलाते रहना है और फ्लेम को मीडियम रखते ही आपको इसको कुक करना है, वरना ये जो हमारा राइस है ये कुक नहीं होगा। सो फ्लेम को मीडियम रखिए और इसको धीरे धीरे चलाते रहिए। अब इस स्टेज में हम देख सकते हैं कि हमारा जो राइस है वो अच्छे से कुक हो गया है।
मैं दिखा रही हूँ आपको। अब मैं इसमें डालूंगी ये एक सीक्रेट सा चीज जो कि है ये मिल्क मेड। मिल्क मेड डालने से थोड़ा सा एक स्वीटनेस आएगा और जो हमारा ये खीर है ये थोड़ा सा गाढ़ा भी बनेगा तो अच्छा रहेगा। इसको आप एक या दो चम्मच डालो। अब हमें ये जब ये दाल मिल्क में डालने के बाद इसको एक मिक्स देने के बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही हम लोग ये जो हमारा गुड़ था इसको डालेंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर ये जब गर्म रहेगा उबलते रहेगा तब अगर हम डालेंगे तो हमारा दूध फट सकता है, इसीलिए आप राइस को इसको खीर को बंद कर दीजिए फ्लेम इसका, उसके बाद ही इसको डालिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए तब तक जब तक ये जो गुड़ है ये पिघल जाए। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और मिल्क मेड डालना चाहिए तो आप उसको भी डाल सकते हो। ये जो खीर होता है ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनता है, मतलब इसमें चावल का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रहता है। और अभी हम लोग अपना ये काजू और किशमिश भी डाल देंगे। इसको आप थोड़ी देर ऐसे ही रख दो जब तक ये गुड़ हमारा पिघल जाता है, नहीं तो हम लोग इसको बार बार अगर चलाएंगे तो राइस टूट सकता है। तो ये गर्म में ही ये जो गुड़ है ये पिघलने लगेगा। हमारी रेसिपी इज रेडी और ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का बना है और ये बहुत ही टेस्टी होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना। कीप वॉचिंग।